फिक्र करने की कोई बात नहीं है सुल्तान, हमने मरहम लगा लिया है, छोटा सा जख्म है, अपने आप भर जाएगा। जख्म भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, कई बार चोट बहुत गहरी देता है, और अगर सही वक्त पर इलाज ना कराया जाए नासूर बन जाता है। अरे अरे नहीं नहीं सुल्तान, आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं, हम बिल्कुल खैरियत से, वो हम बस थोड़ा आराम करना चाहते थे। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे, पर हम समझ सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम चलते हैं। वो बस थोड़ी सी सूजन थी, इसलिए हमने सोचा। हमने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा है शहजादे। अल्लाह हाफिज। हम आपको कैसे बताएं सुल्तान, हमारी ये खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही है, जहां देखो उस नकाब पोश सुल्तान के ही चर्चे हो रहे हैं। उसके आने से तो आवाम को हौसला मिला है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, मसीहा, फरिश्ता, न जाने किस किस नाम से पुकार रहे हैं उसे। रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन के जुल्म सितम का मुंह तोड़ जवाब दिया है उसने। आप फिक्र ना करें सुल्तान, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। ये जरूर है कि आपके बीमार होने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि इस सल्तनत का सूरज डूबता जा रहा है। अंधेरे के घने साए आवाम को डस रहे थे, और ऐसे में वो सुल्तान उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया। हमें पूरा यकीन है सुल्तान कि वो आपकी आवाम की हिफाजत करेगा, और इस सल्तनत को रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन की पूरी नजर से बचाएगा। क्या हुक्म है सुल्तान? गजनी तक सही सलामत पहुंचने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उसे हमारे पास लेकर आओ। जिंदा या फिर मुर्दा,